नमस्कार बच्चों नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं चिल्ड्रेन डे की बहुत बहुत बधाई आप लोग मेरा यदि फेसबुक वगैरह देखते होंगे तो आप लोग देख चुके होंगे कि मैं बाल दिवस किस तरह से मना लिया और आप लोगों को भी बधाई देता हूं अब चूंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं कुछ फिलहाल आपके लिए विशेष नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज जो है पासी में एक सरकारी स्कूल था पूरा गरीब गरीब बच्चे वहां पर पढ़ते थे वहां पर हम जाके और सब लोगों को कॉपी कलम पेंसिल मिठाई ये सब सारा वितरण किए सारा बच्चा काफ़ी खुश था शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे चलिए तो आज बाइनोमियल थ्योरम का एक तरह से हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है ठीक है आज एक तरह से हम लोग का अंतिम लेक्चर होने वाला है जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए एक बच्चा बोल रहा है सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था पूछो बाबू अगर औरली देने लायक होगा तो तुरंत दे दूंगा जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे सबको चिल्ड्रेन डे की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए आते हैं बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं एक बच्चा बोल रहा सर कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो गया टाइम चेंज कीजिए बाबू ये तो सही टाइम है कॉलेज खुल भी गया होगा तो भी ये सही टाइम है और बाकी के भले चेंज कर सकते हैं तो अभी नहीं कुछ समय दो एक डिजिटल बोर्ड और आ जाएगा उसके बाद सारा हम लोग सेट कर देंगे ठीक है एक बच्चा पूछ रहा सर अगर बुक्स में किसी क्वेश्चन का डाउट हो तो कैसे पूछेंगे देखो बाबू सुनो बता रहे एक तो कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ाते हैं उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से दे देते हैं जिसके कारण आपको डाउट रहेगा ही नहीं रहा बात थोड़ा बहुत अगर डाउट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप भेज सकते हो लेकिन बाबू मुश्किल यही है कि इतना ज्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है कि सबका रिप्लाई दे पाना मुश्किल है लेकिन हाँ आप भेज सकते हो अगर आपका अच्छा क्वेश्चन लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा पूछा है तो हम लोग किसी दिन जो है उस पर वीडियो ही लेकर आ जाएंगे उसको सॉल्व करा देंगे या डाउट क्लासेस का एक दिन अलग से हम लोग उसको सेशन करा देंगे हर चैप्टर का डाउट क्लासेस का ठीक है चलो देखो बाइनोमियल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम का ही लेकिन मेरा सिखाने का तरीका कुछ और होता है तो मैं सबसे पहले कुछ कुछ सिखाने कैसे मैं क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से सिखा दूं उसके लिए पहले मैं एक आध क्वेश्चन उसके बेस्ड में बनवाऊंगा आपसे जो आपको मैं सिखा चुका हूं और वो बना लोगे तो उसके बाद आपको मैथ एकदम आसान लगने लगेगा क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन है सपोज करो क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर है दस ठीक है ये क्वेश्चन है बाबू टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर है दस अगर हम आपसे इसका चौथा टर्म पूछे बता दोगे पांचवा टर्म पूछे बना दोगे छठा टर्म आपसे पूछे तो बना दोगे बिल्कुल बना दोगे किसी को तो दिक्कत नहीं है बाबू तो जल्दी से इसका आप फोर्थ टर्म हमको बताओ तो चौथा टर्म क्या होगा शुरू में चौथा टर्म बताओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन है। उसके बाद हमको इसका छठा टर्म बनाओ इससे हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके बाद आज नया चीज सिखाएंगे हम। जल्दी से क्वेश्चन देख लो एक चौथा टर्म बताओ उसके बाद छठा टर्म बताओ चौथा टर्म उसके बाद छठा टर्म बताओ एक बच्चा मैथ सेकेंड सेमेस्टर झारखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है बाबू कल कम से कम चार साढ़े चार घंटा लाइव क्लास चला लेकिन वो यूट्यूब पर पब्लिक नहीं था वो ऐप वाले बच्चे के लिए था तब तो मैं लगभग फ्री ही कर दिया हूं सारे बच्चे के लिए झारखंड का सेकेंड सेमेस्टर हम जानबूझ के चाहते हैं कि सारा बच्चा सीख ले मात्र नाइनटी नाइन रुपया किए हुए हैं ताकि सारा बच्चा आओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो और जो भी डाउट है वो देख लो सारा सब्जेक्ट का उसमें वीडियो अवेलेबल है चलिए तो ये क्वेश्चन का हम चौथा टर्म और छठा टर्म दो को सवाल दिए तो जल्दी से आप लोग बताओ बाबू विवेक सिंह जी बोल रहे हैं आईफोन में लॉगिन वाला कोड अरे आईफोन में आप माय इंस्टीट्यूट करके ऐप इंस्टॉल कर लो माय इंस्टीट्यूट आईफोन वाले बच्चे जिसके पास आईफोन है नैन क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हो तो माय इंस्टीट्यूट नाम का ऐप इंस्टॉल कर लो और आपसे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑर्गेनाइजेशन कोड उसमें आप डाल दो ओ आई यू भी के ओ आई यू भी के अपने आप नैन क्लासेस का ऐप बन जाएगा ठीक है क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे आईफोन वाले नहीं होते हैं इसीलिए हम लोग जो है एंड्रॉइड वाला में ही ज्यादा बच्चे रहते हैं तो इसीलिए आईफोन वाला ज्यादा हम लोग नहीं बताते हैं बाकी मेरा ऐप आईफोन पे भी काम करेगा आपको माय इंस्टीट्यूट माय इंस्टीट्यूट नाम का ऐप को इंस्टॉल करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन कोड में ओ आई यू भी के डालना पड़ेगा बस हो जाएगा सेम चलिए टॉपिक पे आते हैं चलो चौथा टर्म इसका कैसे बनाया बाबू चौथा टर्म तो नंबर नंबर ऑफ टर्म बराबर आर प्लस वन नंबर ऑफ टर्म क्या है चौथा तो आर प्लस वन चार e इधर गया तो माइनस वन आर का वैल्यू आ गया मेरा तीन अरे आर ए का वैल्यू निकालने में बहादुरी होता है ना निकल गया निकल गया बाबू आर का वैल्यू अब क्या करो फॉर्मूला वी नो दैट करके लिख देना एन सी आर A और बी बी का पावर बी आर और ए का पावर एन माइनस आर वी नो लिख देना बाबू ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अब बताओ N क्या है मेरा? E 10 है. मेरा ये जगह सी आर आर का वैल्यू अभी पता चल गया तीन इसको सीख लो हम क्या सिखाना चाह रहे आज नया चीज सिखाने वाले आज सिखाने वाले नया चीज लेकिन उससे पहले कुछ एक आध को क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं उसके बाद नया चीज सिखा देंगे आर के जगह डाल दो तीन ए के जगह टू एक्स और बी के जगह वन बाई एक्स अच्छा आर के जगह तीन तो बी का मथवा पे भी आर ए होता है तो बी का मथवा पे आर लिख दो यानी तीन और यहां दस में तीन घटा तो सात ठीक है बाबू चलो आ गया टेन सी थ्री टू एक्स का होल पावर सात और वन का पावर थ्री होल पावर थ्री अब टेन सी थ्री का वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे है ना काम चलाओ हम बताए थे कि आप कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लो भाई अपने मोबाइल में तत्काल में ऐसे कैलकुलेटर आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में भी अलाउ होता है कैलकुलेटर ठीक है तो टेन सी थ्री का वैल्यू बताओ कितना आया टेन सी थ्री हम कैलकुलेटर मेरे पास भी है हम देखते हैं टेन सी थ्री का वैल्यू टेन सी थ्री एक सौ बीस आया बाबू टेन सी थ्री का वैल्यू एक सौ बीस टेन सी थ्री का वैल्यू एक सौ बीस अब टू एक्स होल पावर सात दो का पावर सात कितना होता है 2 का पावर पांच होता है बत्तीस छ हुआ चौसठ सात हुआ एक सौ अट्ठाईस एक सौ एक्स का पावर कितना सात नीचे वन का पावर तीन तो वन है और नीचे एक्स का पावर थ्री देखो यहां पर समझना कि एक्स का पावर सात एक्स का पावर थ्री तीन गो तीन गो खत्म हो जाएगा चार गो बच जाएगा है ना तो इसका आया एक सौ बीस एक सौ अठाईस अरे बारह आठ छियानवे छे अरे ऐसे भी तुमको कैलकुलेटर का जरूरत है गुना करना है ना बारह छियानबे छः हाथ में नौ चौबीस नौ तैतीस के तीन हाथ में तीन बारह तीन पंद्रह जीरो पंद्रह हजार तीन सौ साठ एक्स का पावर तीन है एक्स का पावर सात है एक्स का पावर चार बच गया आंसर इसका आंसर आया पंद्रह हजार तीन सौ साठ एक्स का पावर चार सर प्लीज यूट्यूब पर प्राइवेट करके दीजिए बापू देखो फिलहाल बाइनोमियल थ्योरम ही यूट्यूब पर चल रहा है इसके बाद कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं चलेगा क्लियर सारा नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे ही चलेगा ठीक है तो चौथा टर्म आया पंद्रह हजार तीन सौ साठ एक्स का पावर फोर अच्छा सुनो ये क्वेश्चन में अगर घुरा के देता ये क्वेश्चन देके बोलता एक्स का पावर फोर का कोफिशिएंट बताइए तो तुमको दिमाग लगाना पड़ता किसका कौन सा टर्म में एक्स का पावर फोर आएगा देखो आया ना एक्स का पावर फोर यानी इसका कौन सा टर्म में आया था बाबू चौथा टर्म में चौथा टर्म तो क्वेश्चन चौथा टर्म निकालने दिया तो दूध भात वाला सवाल लेकिन चौथा टर्म नहीं देगा वो बोलेगा x का पावर फोर का कोफिशिएंट बताओ तो तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म में x का पावर फोर होगा बात समझ में आ रहा है यानी आर का वैल्यू तुमको पता करना पड़ेगा अब ऐसे आसान है चौथा टर्म तो आर का वैल्यू तीन लेकिन चौथा टर्म पांचवा टर्म छठा टर्म वो बोलता नहीं है क्वेश्चन अगर हार्ड उसको देने का इच्छा है तो बोलता नहीं है वो सीधे बोलता है एक्स का पावर फोर का कॉफिशियन बताइए तो हम लोग तो जान गए ऐसे बनाना लेकिन आज तो हमको लेवल को हाई करना है आज तो हम लोग का लेवल को हाई करना है तो भाई ये तो हम पिछले क्लास में सीखे थे निकालने तो आज लेवल हाई क्या कर रहे हैं तो देखो क्या कर रहे हैं छठा टर्म निकालो तो बाबू इसका इसका जो है छठा टर्म निकालो लेवल हाई क्या कर रहे हैं वो अभी समझ में आएगा छठा टर्म छठा टर्म निकालना है बाबू तो आर का वैल्यू कितना पांच डायरेक्ट बनाते हैं ना बाबू आर का वैल्यू पांच एन सी आर ए और बी b का पावर r a का पावर n r n का वैल्यू 10 c r का वैल्यू 5 अरे छठा टर्म बोलेगा तो r का वैल्यू 5 इसमें तो ज्यादा दिमागिया नहीं लगाना है a मेरा 2x b मेरा 1 by x अब यहां समझना 10 3 5 अच्छा ये जो r होता है b का मतलब पे भी वही r होता है तो c के नीचे 5 है तो का मथुआ पे भी पांच होगा और दस में पांच घटाएंगे तो यहां भी पांच होगा अब चेक करो तो बाबू टेन सी फाइव का वैल्यू क्या चीज से लाएगा कैलकुलेटर से इसमें तो अपना दिमाग लगाना नहीं है इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है टेन सी फाइव टेन सी फाइव का वैल्यू टेन सी फाइव टेन सी फाइव का वैल्यू आया बाबू दो सौ बावन टू फिफ्टी टू इसका वैल्यू लिख दो हम सिखाना चाह रहे हैं आज अभी तुमको तो समझ में आ जाएगा ये समझो कि सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन बन रहा है ठीक है क्या बन रहा समझना अच्छा देखो तो बाबू दो का पावर पांच यानी बत्तीस और यहां एक्स का भी पावर पांच और वन का पावर पांच तो वन ही नीचे एक्स का भी पावर पांच देखो बाबू क्या हुआ देखो ये एक्स का पावर फाइव एक्स का पावर फाइव खत्म हो गया यानी बच्चा दो सौ बावन गुने बत्तीस कितना बाबू दो सो बावन गुने बत्तीस दो सौ बावन गुने बत्तीस आठ हजार चौसठ इसका आंसर कितना है आठ हजार यही आंसर यानी कि इसका छठा टर्म जो आंसर आया बाबू वो आया आठ हजार चौसठ और चौथा टर्म कितना आया था बाबू चौथा टर्म आया था पंद्रह हजार तीन सौ साठ एक्स का पावर फोर पंद्रह हजार तीन सौ साठ एक्स का पावर फोर एक बात बताओ दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा मेन अंतर एक, बच्च, एक बच्चा बोला हाँ सर वो पंद्रह हजार ही आठ हजार अरे मेन अंतर बताओ ना मेन अंतर तुमको क्या समझ में आ रहा दोनों में जल्दी से बताओ ये दोनों में मेन अंतर क्या दिख रहा है मेजर डिफरेंस तुमको क्या नजर आ रहा है हम क्या सिखाना चाह रहे थे आज वो तुमको समझ में आ जाएगा जल्दी से बताइए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास कब से चलेगा तो रूटीन देख लो ना बाबू टाइम टेबल देख लो रूटीन चैट सेक्शन में डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का टाइम टेबल उसमें दिया हुआ है अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि सर पहलका का वाला में चौथा टर्म वाला में एक्स का पावर फोर है यानी एक्स है लेकिन सर दूसर का वाला में एक्स गायब है एक्स है ये नहीं है बच्चा लोग बोल रहा है कि सर जो छठा टर्म मेरा आया उसमें एक्स नहीं है तो एक्स नहीं है इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद एक्स से आजाद है एक्स उसमें है ही नहीं नहीं बात समझ में आ रहा तो क्वेश्चन आज हम सिखा रहे रहे थे स्क्रीनशॉट ले पा रहे सर बाबू कोई भी ऐप में जो भी पैड ऐप होता है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता है इसीलिए आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो ठीक है अच्छा कोई दिक्कत नहीं इसका हम देखो एक तो थोड़ा मेहनत करो स्क्रीन शॉट में मोबाइल में रह जाता है स्क्रीन शॉट कॉपी में नोट डाउन करते रहो दूसरा इसको फिर से रिपीट जब देखोगे तो नोट डाउन कर ल, करते रहना तीसरा इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे ठीक है तो सुनो बाबू मेजर अंतर समझ में आया तो इसी से क्वेश्चन क्या बनता है वो समझो क्वेश्चन बनता है बाबू क्वेश्चन बनता है क्या क्वेश्चन बनता है आप सुनो क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन दे देगा टू एक्स प्लस वन बाय एक्स का पावर दस दे देगा और लिख देगा क्या मालूम है क्वेश्चन क्या लिख देगा दो लैंग्वेज करके लिख सकता है ऐसे लिख सकता फाइंड The term find the term independent of X in the find the term independent of X in the expansion of in the expansion of. ये वाला क्वेश्चन लिख देगा टू एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर दस इसको मिटा देते हैं पूरा क्वेश्चन लिखा है लिखाती है बाबू देखो ऐसे क्वेश्चन डालेगा ये हो गया क्वेश्चन फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऐसा टर्म हमको बताना है जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए ऐसा टर्म बताना है जिसमें एक्स नहीं होना चाहिए यानी एक्स का पावर कितना होना चाहिए एक्स का पावर होना चाहिए जीरो यानी एक्स होना ही नहीं चाहिए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, एक्स होना नहीं चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ ये क्वेश्चन यही देगा और बोलेगा ऐसा टर्म बताओ जिसमें एक्स से ना हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिखाते तो आपको हार्ड लगता अब आपको पता चल गया कि छठा टर्म ऐसा है जिसमें एक्स नहीं है देख लो यहाँ छठा टर्म ऐसा है जिसमें एक्स नहीं है तो हमको वही निकालना था छठा टर्म ही निकालना था लेकिन क्या बोल रहा है कि छठा टर्म निकालो क्या आपको बोल रहा है कि छठा टर्म निकालो नहीं आपको बोल रहा ऐसा टर्म निकालो जिसमें एक्स नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ x मान लो क्वेश्चन में यहां देखो x x है तो इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछेगा वाई वाई रहता तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई बोलता तो जो भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे अब समझ में आ रहा ना ऊपर भी एक्स ए में भी एक्स और बी में भी एक्स ऊपर नीचे कटिंग कुटिंग हो जाएगा कोई ऐसा टर्म जरूर होगा जिसमें एक्स पूरा पूरी कटल रहे एक्स रहे नहीं x हो ही नहीं ऐसा हो सकता है वही पद हमको निकालना है आप बोलेगा सर हम तो पहले जान गए कि छठा टर्म ऐसा होगा लेकिन प्रोसेस क्या है कैसे पता चलेगा कि छठा टर्म मेरा है तो चलो देखो बना के सिखाते हैं देखो ऐसे लिखना है हमको तो पता नहीं है भाई कौन सा टर्म इसका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा भले बना के हम चीटिंग किए हैं कि छठा होगा लेकिन अभी तो हमको छठा पता नहीं है देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला लिख देना वी नो करके ये वाला ए बी आर पावर एन माइनस आर ई बाबू तकिया कलाम है तकिया कलाम का मतलब हर जगह बाइनोमियल थ्योरम है ये आपको लिखना ही लिखना इसके बिना काम नहीं चलेगा ठीक है चलो एन जल्दी से बताओ एन क्या होता है जो मथुआ पे सबसे बड़ा पावर होता है कितना है बाबू दस तो एन का वैल्यू तो दस होगा सी आर आर का वैल्यू हमको पता नहीं है आर का वैल्यू हमको पता नहीं है तो आर की जगह आर ए रहने दो भाई ए के जगह क्या है भाई टू एक्स ए के जगह है मेरा टू एक्स और बी के जगह क्या है मेरा वन बाय बी है मेरा अच्छी जो आर, है, पे आर जाएगा अच्छा एन माइनस आर एन के जगह तो पता है दस है तो यहाँ होगा दस माइनस आर यहाँ क्या होगा दस माइनस आर यहाँ आर यहां तक कोई दिक्कत बाबू कुछ नहीं किए हम अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं एन के जगह दस बैठा है और तो कुछ किए नहीं है अब देखते हैं कैसे आता भाई इससे हमको आर का वैल्यू निकालना है करना क्या है इससे हमको आर का वैल्यू निकालना है तो टेन सी आर को लिखने से कोई फायदा नहीं है इसको फॉर्मुलिटी खींचो अब टू एक्स का पूरा पावर है दस माइनस आर पूरा है ना भाई तो दू का पावर भी दस माइनस आर लिख सकते हैं दू का पावर दस माइनस आर का पावर भी लिख सकते हैं और एक्स का पावर भी लिख सकते हैं एक्स का पावर भी दस माइनस आर यहां तक बात समझ में आ रहा है अरे अरे दोनों का पावर दस माइनस आर होता है ना टू एक्स है यानी दू का भी पावर एक्स का भी पावर उसको हम अलग करके लिख दिए हैं उसके बाद वन बाय एक्स का पावर आर है वन बाई एक्स का पावर आर है तो वन का पावर आर तो वन होता है लेकिन तो तो नीचे x का पावर भी r होगा नीचे x का पावर r नीचे होगा देखो वन का भी पावर r और x का भी पावर r ठीक है तो टेन सी आर टू दस का माइनस r x दस माइनस r अब यहां देखो तो एक का पावर आर तो एक होता है अरे एक का पावर कुछ भी करो एक ही होगा ये सब जनता इतना खाली हवाबाजी का करना है आर का वैल्यू लाने के लिए तो एक्स का पावर आर है ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा माइनस आर ये हम सिखाए हैं पिछले क्लास में कि कभी भी नीचे वन बाई दस का पावर मान लो टू है तो ऊपर ले जाओगे तो दस का पावर माइनस टू होगा ये हम सिखाए हुए कि नीचे पावर रहे ऊपर ले जाओ अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा पावर ऊपर पावर यदि माइनस में है नीचे ले जाओ प्लस में हो जाएगा ऊपर प्लस में नीचे ले जाओ माइनस में हो जाएगा ये हम सिखा चुके हैं आप लोगों को ठीक है अब करना क्या सुनो करना क्या सुनो टेन सी आर ये सब अभी फॉर्मेलिटी है ये रहने दो इसको कोई अभी काम नहीं है जब तक आर का वैल्यू नहीं पता चलेगा इस सब का कोई काम नहीं दस माइनस आर अच्छा एक्स का भी पावर दस अरे एक्स का पावर अच्छा वो उतना मत करो ऐसे करो ऐसे करो बाबू यहां समझना यही हम चाहते थे पावर कुछ ना कुछ है और यहाँ भी एक्स का पावर कुछ ना कुछ है तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है पिछला क्लास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो तो आज उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा ठीक है हम तो बोलते हैं सबसे पहले ये पांच ये छठा लेक्चर है हम ये छो लेक्चर का प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं और ऐप में तो लाइन से है बाबू प्ले नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप में तुम जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले कोर्स में तो आपको लाइव क्लास का सेक्शन में जाओगे तो लाइन से पांच गो लाइव क्लास दिखेगा और आज ये छठा है तो लाइन से दिखेगा ऐप में एक फायदा यही है कि सब लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा ठीक है और YouTube पर है बाबू थोड़ा सा खोजना पड़ता है ठीक है और ऐसे भी सारा चैप्टर यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है है ना सारा सब्जेक्ट तो और पॉसिबल नहीं है चलो यहां देखो तो पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा सेम है तो, पावर जुटेगा। तो दस माइनस आर में जोड़ दो माइनस आर तो दस माइनस आर और माइनस आर यानी माइनस टू आर दस माइनस टू आर आ गया कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू जोड़ घटाव बेसिक अठवा नौवा का चीज कर रहे हैं ठीक है एक और क्वेश्चन एक और, और ऐसा बना देंगे तो और तुम तो लोग कंफर्म हो जाओगे क्योंकि आज जो लेक्चर दिख रहा होगा कल वाला नहीं देखा होगा मतलब कल वाला नहीं पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा लेक्चर फाइव तो उसको आज वाला थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ठीक है देखो जल्दी से आ, क्या आया बाबू हाँ अब सुनो एक्स का पावर दस माइनस टू आर आया तो एक्स का पावर हमको क्या चाहिए भाई दस माइनस टू आर जगह क्या चाहिए ये बताओ तो एक्स का पावर मान लो यहाँ हाथी है तो हमको क्या चाहिए X का पावर जीरो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए भाई एक्स का पावर जीरो चाहिए लेकिन यहाँ एक्स का पावर दिख रहा है हाथी यानी हाथी मेरा किसके बराबर है जीरो के बराबर है मान लो एक्स का पावर लिखा हुआ कुत्ता तो भाई हमको तो एक्स का जीरो लाना है यानी ये जो कुत्ता है वो किसके बराबर है जीरो के बराबर है ठीक है फिर से समझो आपका क्वेश्चन में x का पावर दस माइनस टू आर दस माइनस टू आर है ये है तो हमको तो भाई x का पावर जीरो चाहिए यानी x माइनस टू आर बराबर क्या हो जाएगा ये वाला जीरो समझ में आ रहा है ना आ रहा समझ में तो आपको x का पावर दस माइनस टू आर बराबर क्या चाहिए जीरो According to question. क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए आपको X चाहिए नहीं एक्स आपको 0 चाहिए तो लिख सकता है कि जीरोनाडिंग टू क्वेश्चन देखो बाबू दस माइनस टू आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो दस माइनस टू आर बराबर जीरो माइनस टू आर बराबर प्लस दस उधर जाएगा तो माइनस दस माइनस माइनस खत्म दू से दस पांच बार में खत्म आर का वैल्यू आ गया इतना जो एक पेज झोल किए ना ये सारा आर का वैल्यू लाने के लिए है सारा आर का वैल्यू निकालने के लिए और कुछ किए नहीं आर का वैल्यू निकालने के लिए अब आर का वैल्यू आ गया पांच यानी क्लियर हो गया कौन सा टर्म छठा टर्म आर का वैल्यू पांच आ गया इसका मतलब क्लियर हो गया ये मेरा छठा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है टर्म। तो 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 छठा टर्म बोल देता देता तो जो चुटकी चुटकी का 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 खेल खेल था था यार वैल्यू दे इसीलिए तो नहीं देता इसीलिए तो बोलता है कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालिए ताकि तुमको पते न चले कि इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा ठीक है एक क्वेश्चन और हम समझाएंगे बाबू एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे ये क्वेश्चन नहीं कोई दूसरा क्वेश्चन लेके तू लोग कंफर्म हो जाओगे तो R का वैल्यू आ गया मेरा पांच तो R का वैल्यू पांच डाल दो ना यार R का वैल्यू पांच डाल दो बस बन गया मैथ R का वैल्यू क्या डाल दो पांच डाल दो तो अब जो है ये एक पेज हम कॉपी कर लिए हैं इसलिए सारा को फिर से क्या कर रहे है? मिटा दे रहे और R का वैल्यू डाल देते हैं तो छोटा कर देते हैं मिटाए कहला है चलो इतना भी छोटा नहीं थोड़ा बड़ा कर देते हैं हाँ हम लोग को क्या करना है भाई आर के जगह क्या पुट करना है पांच तो एन सी आर ए और बी एक बी का पावर आर ए का पावर एन माइनस आर ये हम लोग का फॉर्मूला है भाई आर का वैल्यू पांच पता चल गया है एन का वैल्यू पहले से पता है दस दस सी e पाँच ए का वैल्यू टू एक्स बी का वेल्यू वन बाई एक्स ई पाँच तो यहाँ भी पांच दस में पाँच गया यहाँ भी पाँच टेन सी फाइव का वैल्यू कैलकुलेटर से कर दो टेन सी फाइव का वैल्यू कैलकुलेटर से बस यही था बहादुरी बाबू और कुछ इसमें ऐसा है नहीं टेन सी फाइव का वैल्यू दो सौ बावन दो का पावर पांच बत्तीस और देखो दो का भी पावर पांच किए और एक्स का भी पावर पांच करना पड़ता है वन का पावर पांच और एक्स का भी पावर पांच एक्स का पावर पांच देखो खत्म हो गया ना एक्स एक्स खत्म हो गया ना और दो सौ बावन गुने बत्तीस कितना दो सौ बावन गुने बत्तीस आठ हजार चौसठ आंसर ये हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्लियर समझ में आ गया बाबू एक क्वेश्चन और देंगे फिर और समझ में आएगा ठीक है चलो एक क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन फिर से चलो ये उससे भी है लेवल हाई क्वेश्चन है विच विच टर्म इन द एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन मतलब कौन सा टर्म एक्सपेंशन का कौन सा टर्म एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर देखो क्वेश्चन यहां पर है यहां लिख दे रहे एक्स क्यू प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर का पावर कितना है पंद्रह इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइन इट्स वैल्यू अल्सो इसका वैल्यू भी बताओ फाइन इट्स वैल्यू अल्सो पहले तो बताना है कि इसका कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है कौन सा पद है जिसमें एक्स नहीं है और उसका वैल्यू भी बताना है ठीक है बाबू क्वेश्चन फिर से समझ में आया एक्स क्यूब प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर का पावर पंद्रह है इसका कोई ऐसा टर्म जरूर होगा जिसमें एक्स अपने आप खत्म हो जाए कट जाए ऊपर नीचे पूरा पूरी कट जाए तो आपको बताना है ऐसा कौन सा टर्म होगा और उसका वैल्यू बताना है ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पिछला वाला और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो एक काम करते हैं पहले हम चीटिंग करते हैं हम चीटिंग करते हैं बाबू पहले पहले आप लोगों के साथ मैं चीटिंग करता हूं ठीक है चीटिंग कर दें चलो ये क्वेश्चन में आप बाबू इसका दो वो क्वेश्चन बनाओ दो क्वेश्चन बनाओ ना एक आठवां टर्म बनाओ एथ टर्म क्या होगा और दूसरा इसका दसवां टर्म बताओ टेंथ टर्म दो क्वेश्चन इसका बना दो तुमको सारा चीज समझ में आ जाएगा मांजरा ठीक है इसका दो क्वेश्चन बता दो सारा माजरा तुमको समझ में आ जाएगा एक आठवां टर्म इसका बताओ और दूसरा दसवां टर्म इसका बताओ और आठवां टर्म दसवां टर्म तुम चुटकी में निकालने जानते हो जल्दी से बताओ आठवां टर्म दसवां टर्म इसका जल्दी से बता दो जल्दी से बताओ एक बच्चा बोल रहा सर नो चीटिंग आ, आ, अरे चीटिंग नहीं हम थोड़ा और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं ठीक है हम जबरदस्ती नहीं समझाना चाह रहे हैं कि इसका ए, 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 इसका पांचवा टर्म जीरो है, है नहीं है सब अच्छे से देख लो समझ में आ जाएगा चलो आठवा टर्म कैसे बनाएगा बाबू आठवा टर्म कैसे बनाएगा आठवा टर्म कैसे बनाएगा तो लिखेगा एन सी आर ए और बी बी का पावर आर और ए का पावर एन माइनस सात तो आठवां टर्म के लिए आर का वैल्यू कितना डालोगे सात डालोगे डालो एन डालो डालो. का वैल्यू पंद्रह पंद्रह सी आर का वैल्यू सात ए और यहां पर बी ए कितना बाबू एक्स क्यू ए कितना बाबू एक्स क्यू ए की जगह हम वाइट से लिख देते हैं ए है मेरा एक्स क्यू और बी मेरा है टू बाई एक्स ये तो हो जाएगा आठ ठीक है बाबू पंद्रह सी सेवन इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर से बना सकते हो एकदम आसानी से पंद्रह सी सेवन का वैल्यू कैलकुलेटर से बना दो आसानी से पंद्रह सी पंद्रह सी सेवन पंद्रह सी सेवन चौसठ पैंतीस पंद्रह सी सेवन का वैल्यू चौसठ पैंतीस तो बाबू कैलकुलेटर एकदम आना चाहिए ना तो बहुत टाइम लगेगा पंद्रह सी सेवन का वेल्यू चौसठ पैतीस चौसठ पैतीस एक्स का पावर तीन उसका भी पावर आठ तो ये भी सिखाए पिछला क्लास में कि अगर ए का पावर एम रहे और उसी का भी पावर एन रहे तो ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है यानी दोनों पावर का गुना हो जाता है तो गुना करो तीन या चौबीस एक्स का पावर हो गया चौबीस दो का पावर सात तो दो का पावर पांच होता बत्तीस छ होगा चौसठ सात होगा एक सौ अट्ठाईस नीचे एक्स का पावर दो है उसका भी पावर सात है तो कितना हो जाएगा दूस चौदह एक्स का पावर हो जाएगा चौदह हो जाएगा ना तो जल्दी से अब इसको बताओ क्या होगा अब तुम बोलेगा सर एक्स है चौदह और ऊपर चौबीस यानी x का पावर दस बच जाएगा चौसठ पैंतीस को एक सौ अट्ठाईस गुना कर दो वही हो जाएगा आंसर चौसठ पैंतीस गुना एक सौ अट्ठाइस मेरा आया इसका वेल्यू बेरासी छत्तीस अस्सी और एक्स का पावर चौबीस था नीचे चौदह था तो एक्स का पावर दस यही मेरा हो गया आंसर तो आठवां टर्म सारा बच्चा बना देगा आठवां टर्म सारा बच्चा बना देगा एक बच्चा बोला सर सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा ना अरे बाबू एग्जामुआ से एग्जामुआ से दो तीन महीना पहले खत्म कर देंगे दो महीना पहले हम लोग मुश्किल से तीन महीना का टारगेट लेके चलते हैं तीन दो से तीन महीना दो से तीन महीना में हम लोग करा देते हैं समझ गया अभी चूंकि शुरुआत है तू लोग भी नए नए हो कोई टेंथ से पढ़ के आया है कोई इलेवेंथ ट्वेल्थ से आया है तो साइंस नहीं है तो शुरुआती में रफ्तार मारने लगेंगे तो दिक्कत होगा प्लस तो हम ऐसी मजे मजे पढ़ाते हैं समझा और मजा आता है बच्चे को और मेरा सिलेबस सच्चाई ये है कि तुम चाहेगा अगर ऐप में जुड़े हुए हो तो तुम अभी सिलेबस कंप्लीट कर सकता नाइनटी परसेंट वीडियो अवेलेबल है तो सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है मतलब जिसको हड़बड़ी है वो अभी नाइनटी परसेंट सिलेबस कर सकता है लाइव क्लास तो ऐसी समझो शौकिया चल रहा है ठीक है लेकिन हम लाइव क्लास में सारा फिर से कराएंगे चिंता नहीं करना तो ये सारे बच्चे बना दिया चलो अब दसवां टर्म बना लो दसवां टर्म इसका बना लो मजा आ जाएगा दसवां टर्म बना लो मजा आ जाएगा दसवां टर्म इसका दसवां टर्म बना लो बाबू जल्दी से चलो इसका दसवां टर्म बना लेते हैं चलो इसका दसवां टर्म बनाते हैं टर्म तो हम लोग बना लिए बाबू अब इसका दसवां टर्म बनाते हैं अच्छा दसवां के लिए आर का वैल्यू क्या डालेंगे दसवां टर्म निकालने के लिए आर का वैल्यू कितना डालेंगे जल्दी से बताओ बाबू आर का वैल्यू कितना डालेंगे दसवां टर्म बनाने के लिए आर का वेल्यू नौ आर का वेल्यू नौ चलो बनाओ एन पंद्रह आर, आर का वैल्यू नौ ए, ए मेरा करना है एक्स क्यू, बी मेरा कहना है टू बाई एक्स स्क्वायर पावर लिखना भाई नौ तो यहां भी नौ अब पंद्रह में नौ घटता तो, तकलीफ किसी को पेट उट में दर्द आर का वैल्यू नौ बैठा है तो बी का मथुआ पे नौ अब पंद्रह में नौ घटाए तो ए का ठीक है चलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है चलो जल्दी से पंद्रह सी नौ का वैल्यू कैलकुलेटर से अपने से बनाना ही नहीं है कैलकुलेटर से और कैलकुलेटर आपको अलाउ है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ है और नहीं तो मैं नैन क्लासेस का लर्निंग एप में भी लिंक डाल दिया हूं साइंटिफिक कैलकुलेटर का अभी फिलहाल मोबाइल में आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है लेकिन कैलकुलेटर ले लेना बाबू साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना ठीक है दिक्कत नहीं होगा पंद्रह सी नौ पंद्रह सी नौ पांच हजार पांच बिल्कुल बच्चा लोग बता रहा है पांच हजार पांच पांच हजार पांच एक्स का पावर थ्री और इसका भी पावर छ तो एक्स का पावर तीन अठारह ना हो जाएगा एक्स का पावर अठारह का पावर नौ का पावर नौ दू का पावर पांच बत्तीस होता है अब देखो दू का पावर नौ मान लो निकालने में दिक्कत है तो कैलकुलेटर में तुम्हारा फैसिलिटी है सीधे दू का पावर नौ तुम निकाल सकता देखो नौ हम देखो कर तुरंत निकाल दे रहे देखो दू का पावर नौ पाँच सौ बारह डायरेक्ट आ गया कैलकुलेटर में पांच सौ बारह भी पावर नौ अरे बाबू यहां समझना ये समझना और पूरे का पावर नौ है तो और घर अगर दो को दोस्त आ जाता है तो एक को तुम रसगुल्ला खिलाता है दूसर का के नहीं खिलाता है ऐसा थोड़े नियम है अगर खिलाना तो दोनों का खिलाना पड़ता है ना ब्रेकेट में दू का पावर नौ दू का पावर नौ मान लो आया कितना आया था बाबू पाँच सौ बारह तो लिख दिए तो एक्स स्क्वायर का भी पावर नौ करना पड़ेगा और अठारह तो एक्स का पावर अठारह तो यही सब बच्चा लोग नहीं जानता है तो उसको हार्ड लगने लगता है ठीक है उसको हार्ड लगने लगता है तो एक्स का पावर कितना बाबू अट्ठारह अब देखो समझ में आ गया होगा खेला अब उसको खेला समझ में आ गया एक सौ पावर अठारह एक सौ पॉल अठारह खत्म यहाँ पांच हजार पांच और गुने पांच सौ बारह गुना करो पांच हजार पांच गुने पांच हजार पांच गुने पांच सौ बारह दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन जीरो दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन जीरो यही हो गया आंसर खत्म यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यही ना हुआ यानी ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला हुआ क्वेश्चन तो हम आपसे दसवां टर्म निकालने बोल दिए थे तब ना आप निकाले तो देखे कि एक्स इसमें नहीं है हम आपको दसवां टर्म निकालने बोले तब ना लेकिन अगर एग्जाम में एग्जाम में तो ऐसा नहीं बोलेगा एग्जाम में तुमको बोलेगा क्या कि दसवां टर्म निकालिए नहीं एग्जाम में क्या बोलेगा सुनिए तो हम सिखा रहे थे एग्जाम में आपको क्या बोलेगा समझो एग्जाम में आपको यही बोलेगा विच टर्म इन द एक्सपेंशन ये वाला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड इट्स वैल्यू बस यही पूछेगा कैलकुलेटर चलाने सिखाइए कैलकुलेटर चलाने देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक दिन बना देंगे वीडियो मोबाइल वाला ही और वो आप लोग को दे देंगे ठीक है सर कॉलेज कब खुलेगा अरे कॉलेज के पीछे काहे परेशान है यार अगर तुम्हारा सरकारी कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है तो, तो खुल गया होगा सब प्राइवेट कॉलेज लगभग खुल गया है और अगर सरकारी कॉलेज है तो खुले या ना खुले तोरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है पढ़ना तो हम ही लोग से पढ़ेगा इसीलिए है परेशान है अपने खुलेगा तो वेबसाइट पे चढ़ा देगा या मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास ठीक है हम लोगों के पास भी पता चल जाता है तुम ही लोग से ना हम लोग को पता चलता है ठीक है उसके बाद रहा बात अगर यहाँ का बात करोगे जीपी धनबाद का जीपी रांची का ये सब का आप थोड़ा सा गड़बड़े समझ में आ रहा है क्योंकि अगला महीना से नगर निगम का चुनाव होने वाला है चुनाव में ही पूरा कॉलेज वॉलेज बंद हो जाता है क्योंकि ईवीएम मशीन वगैरह सारा यहीं रखाता है सारा टीचर उचर सब ट्रेनिंग में चल जाता है दो दो महीना तीन तीन महीना बंद रहता था इलेक्शन के टाइम में चलो यहाँ देखो टॉपिक देखो तो हमको बोल रहा है कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो अभी तो हम जान गए ना दसवा है दसवा है लेकिन सपोज करो हम नहीं जानते हैं दसवा और सच्चाई है इसको इसको हम लोग बना लिए तब ना पता चल गया दसवां है लेकिन अभी हम लोग नहीं जानते हैं भूल जाओ भूल जाओ कि इसका दसवा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तब कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और फिर उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा चलो सीखते हैं यही तकिया कलाम एन सी आर ए और बी बी का मतवा पे आर ए का मतुवा पे एन माइनस आर यहाँ तक लिख देगा वी नो थ्योरम ऐसे करके लिख सकता है ये बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग जानते हैं एन का वैल्यू भी जानते हैं तुम चाहेगा तो लिख सकता है एन का वैल्यू कितना है यहाँ पंद्रह नहीं भी लिख सकता है एन का वैल्यू यहाँ डाल दो पंद्रह C आर आर हम नहीं जान रहे ए एक्स क्यूबी जान रहे है टू बाई एक्स स्क्वायर आर यहाँ है तो यहां भी आर होगा और यहाँ एन माइनस आर एन तो पता है पंद्रह तो यहां हो जाएगा पंद्रह माइनस आर पंद्रह माइनस आर यहां तक कोई तकलीफ अब किसी तरह हमको एक्स और एक्स खिला कर देना है दिखा देना है भाई ठीक है बाबू चलो देखो जल्दी से तो पंद्रह से आर तो लेके चलना है बाबू इसको तो हम लोग को कुछ करना नहीं है 15 सीआर इसको तो लेके चलना 15 को सीआर 15 को सीआर लेके चलना है यहां देखो x का पावर थ्री है, इसका भी पावर 15 माइनस आर तो जल्दी बताओ क्या होगा भाई तीन से गुना 15 हो जाएगा तो 45 तीन से गुना आर हो जाएगा तो तीन आर यानी x का पावर 45 माइनस थ्री आर गुना अच्छा दो का पावर आर एक्स स्क्वायर नीचे में है एक्स स्क्वायर नीचे में है और इसका भी पावर आर है तो एक्स स्क्वायर का भी पावर एक्स का भी पावर टू आर हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर माइनस टू आर ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर माइनस टू आर होगा यहां तक कोई दिक्कत अब देखो हमको चूंकि टू आर से ज्यादा मतलब नहीं हमको तो एक्स का कोफिशिएंट चाहिए ना कि जीरो होना चाहिए

और x का पावर माइनस टू आर इसको कैसे करेगा? जल्दी बताओ बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा पैतालीस माइनस थ्री आर में जोड़ दो तो माइनस टू आर पैतालीस माइनस अरे माइनस में तीन गो आर माइनस में दो गो माइनस में पांच आर एक्स का पावर पैंतालीस माइनस पांच आर आएगा एक्स का पावर पैंतालीस माइनस पांच आर ठीक है तो पंद्रह सी आर दो का पावर आर इस सबसे टेंशन है मत लो हमको एक्स का पावर पैंतालीस माइनस फाइव आर आया और हम अभी बताए थे कि एक्स का पावर क्या है पैतालीस माइनस फाइव पार लेकिन हमको एक्स का पावर क्या लाना है जीरो According to question, हमको तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए हमको तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो लिख देना का का चाहिए मतलब होना ही नहीं चाहिए एक्स जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब एक्स का पावर पैंतालीस माइनस फाइव आर बराबर एक्स का पावर जीरो होना चाहिए यानी इसकी पूरे की जगह क्या होना चाहिए पैंतालीस माइनस फाइव पार की जगह क्या होना चाहिए जीरो लिख दो अरे बेस सेम तो पावर सेम माइनस पैतालीस माइनस माइनस खत्म पांच से नौ खत्म आर का वैल्यू नौ आ गया बाबू आर का वैल्यू नौ तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ आर का वैल्यू नौ आ गया देखो बाबू लाइव क्लास में बहुत जल्द ऐप में एक सौ चौवालिस वाला आने वाला है ठीक है हम तो अगला वादा किया है कि इस पे काम चल रहा है हो सके तो दो दिन में आ जाए चार दिन में आ जाए लेकिन आ जाएगा ठीक है इसीलिए भी हम सारा सब्जेक्ट का अभी ऐप पे लाइव क्लास नहीं करवा रहे यूट्यूब पे लिंक दे दे के अनलिस्टेड कर करके करवा रहे हैं या बहुत सारा पब्लिक करके ही करवा रहे हैं क्योंकि हमको पता है ऐप में डेटा थोड़ा ज्यादा बच्चा लोग को लग रहा है ठीक है तो एक वाला बहुत जल्द आ जाएगा तो आ जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा ठीक है तो जल्दी बताओ आर का वैल्यू नौ आ गया आर का वैल्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू नौ आ गया तो जल्दी से बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया जल्दी से बताओ यही ना जानते हैं नंबर ऑफ टर्म बराबर आर प्लस वन नंबर ऑफ टर्म यही तो निकालना है भाई नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है आर प्लस वन आर है नौ नौ प्लस वन दस यानी टेंथ टर्म टेंथ टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्लियर तो देखो कितना आसानी से दसवां टर्म बोला था तो मैथ बना दिए थे लेकिन वही दस निकालने के लिए हालत खराब हो गया अच्छा अब दस पता चल गया तब मैथवा बना देगा ना अब दस पता चल गया तो अब तो मैथ बना देगा ncr a और b b का पावर r a का पावर n r अब 10वां टर्म पता चल गया ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो r का वैल्यू तो नौ डालेंगे नौ तो पहले से आया हुआ है तो बना दो 10 का वैल्यू पंद्रह c r का वैल्यू नौ 9 एक जगह था x³ b के जगह था 2 x² क्योंकि यहां 9 है तो यहां भी 9 अब 15 में 9 गया तो यहां 6 तो पंद्रह सी नौ एक्स का पावर तीन छ का अठारह दू का पावर नौ का पावर नौ और नंबर अठारह एक्स का पावर अठारह एक्स का पावर अठारह खत्म पंद्रह सी नौ को गुना कर दो दू का पावर नौ से वही आ जाएगा आंसर और पंद्रह सी नौ का वेल्यू इससे पहले हम लोग निकाले ही थे नहीं भी निकाल ले तो तभी निकाल देंगे पंद्रह तीन नौ पांच हजार दो का पावर नौ भी हम लोग निकाले थे पांचो बारा। पांचो बारा पांच सौ बारह था दो का पावर नौ दो का पावर नौ 512 सौ बारह सौ बारह और 5005 हजार गुना कर दो तो आंसर दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन जीरो दूसो छप्पन दो सौ छप्पन यही हो गया तो दोनों चीज क्लियर हो गया नंबर ऑफ टर्म भी इसका बता दिए और इसको आंसर भी बता दिए एक बच्चा बोला सर एनपीआर क्या है एनसीआर एनपीआर देखो एक चैप्टर है बाबू परमुटेशन एंड कम्बिनेशन तो एनसीआर सी का मतलब एक तरह से कम्बिनेशन होता है मतलब परमुटेशन होता है तो एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ये हम अलग से बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे पहले झारखंड के बच्चे को भी पढ़ना था लेकिन ये चैप्टर हटा दिया गया है झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से ठीक है तो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में है तो हम परमोटेशन एंड कम्बिनेशन जो है अलग से बिहार के बच्चे को पढ़ाएंगे ठीक है लेकिन झारखंड के बच्चे को परमोटेशन एंड कम्बिनेशन नहीं पढ़ना है उनको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है बिहार के बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम और परमोटेशन कम्बिनेशन दोनों पढ़ना है तो पहले जो जो कॉमन पढ़ना है वो हम पढ़ा देते हैं ताकि दोनों बच्चा एक साथ गदगद रहे और उसके बाद जो अलग रहेगा वो अलग हम बताएंगे सर गलत लिखे दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन जीरो सही तो है दो सौ पैंसठ लिखे अरे यार ये टोके वाला बात है यार ये तो लिख दिए दो लोग सुधार लेना दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन सब होता है बाबू कभी कभी बोलो कुछ कलम कुछ हाथ कुछ और लिख देता है तो मैनेज करना थोड़ा बहुत सर बिहार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा बिहार का या झारखंड का दोनों का बाबू मार्च से पहले नहीं होगा यदि होगा भी तो मार्च में होगा उससे पहले नहीं होगा क्यों नवंबर महीना तक सिर्फ एग्जाम मतलब एडमिशन चल रहा है झारखंड में 25 तारीख तक एडमिशन है बिहार में भी 24 तारीख तक मोपअप काउंसलिंग चल रहा है यानी पूरा नवंबर महीना तो एडमिशन में गया एडमिशन के बाद कुछ दिन के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चलेगा बच्चा लोग को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि आपको मैकेनिकल है आपको इलेक्ट्रिकल है आपको सिविल है जो भी जिसको ब्रांच मिला है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप लोग स्टूडेंट कहला गए पॉलिटेक्निक कॉलेज का कि हाँ अब आप रजिस्टर स्टूडेंट हो उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई होगा उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा होगा ना अरे कम से कम छ महीना का सेमेस्टर होता है तो कम से कम तीन महीना तो पढ़ने के लिए देना पड़ेगा ना तो नवंबर महीना तो खत्म ऐसी मान लो एडमिशने में मान के चलो दिसंबर से पढ़ाई चालू हो गया दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीना तो देना ही पड़ेगा तो कितना भी पहले एग्जाम होगा तो मार्च में होगा उससे पहले नहीं होगा ठीक है बाबू ठीक है बाबू तो समझ में आ गया तो बाइनोमियल थ्योरम एक तरह से आपका हो गया समाप्त लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बताएं वो भी हम दिखा रहे हैं बाबू कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी हो गया अब आप कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आप ऐसा नहीं बताएं फाइंड फाइंड एक क्वेश्चन है बाबू नाइन्टी नाइन्थ टर्म निन्यानवे टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इन एक्सपेंशन ऑफ निन्यानबे वाला टर्म चाहिए निन्यानवे नौवा दसवां टर्म अभी सीखे थे ना छठा टर्म दसवां टर्म बारवां टर्म तो आपको निन्यानवे वाला टर्म बताना है इसका वन प्लस एक्स का पावर सौ का वन प्लस एक्स होल ब्रैकेट का पावर सौ इसको आपको निन्नावे वाला टर्म बताना है निन्यानवे टर्म जैसे ही पावर सौ है तो को बनेगा सौ एक पद बनेगा अरे पावर सौ है तो एक सौ एक पद बनेगा तो आप सो आपको एक सौ एक पद नहीं बनाना है आपको जस्ट इसका एक ही को पद बनाना है कौन सा निन्यानवे वाला 99 वा पद बताना है आपको तो आप बोलोगे सर वन प्लस एक्स इस टाइप का आप नहीं बताए थे आप हमेशा ए प्लस बी एक्स प्लस वाई या यहां एक्स प्लस यहां कुछ बाई में इस टाइप का आप बताए तो कुछ बच्चा बोलेगा सर आप ऐसा नहीं बताए थे तो बाबू देखो जो कंसेप्ट है वो हम आपको बता चुके अब चूंकि एक जगह हाथी रख दे घोड़ा रख दे उससे क्या मतलब है भाई एक जगह वन रख दिया है तो एक जगह वन रख दिया थी तो और आसान चीज हो गया ना ये मुश्किल वाला चीज थोड़े हुआ जल्दी से देखो बनाते हम लोग चलो निन्यानवेवा टर्म है तो आर का वेलू कितना होगा अंठानवे होगा अरे निन्यानवेवा टर्म है तो आर का वेल्यू अंठानवे चलो देखो एन सी आर ए और बी बी का पावर आर ए का पावर एन माइनस आर चलो एन कितना तो सौ सौ आर आर कितना अंठानवे सौ सी नाइनटी एट ए बाबू वन वन बी कितना बाबू एक्स चुटकी का खेल में मैद बनेगा ये अंठानवे है तो यहां भी अंठानवे और सौ में अंठानवे गया तो यहां तो दो चलो जल्दी से देखो बाबू जल्दी से देखो सो सी नाइनटी एट इसका वैल्यू काची से निकाल लेंगे बाबू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे एकदम चुटकी का खेल है कोई बड़के चीज़ नहीं है ऐसे कुछ बच्चा बोलेगा सर आप खाली कैलकुलेटर से बोलते बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता है क्या तो हम मेरा दो वो क्लास देखे होंगे तो बिना कैलकुलेटर के भी सिखाए हैं पहला और दूसरा क्लास में सौ सी नाइन्टी एट तो सौ का फैक्टोरियल नाइन्टी एट का फैक्टोरियल और सौ माइनस एट यानी टू का फैक्टोरियल सिखाए हैं बाबू हम तो सौ का फैक्टोरियल कैसे बनाओगे सौ इंटू नाइन्टी नाइन इंटू नाइनटी एट का फैक्टोरियल रोक दिए नीचे नाइन्टी एट का फैक्टोरियल है पहले से 98 और दू का फैक्टोरियल नाइन्टी एट का फैक्टोरियल और नाइनटी एट का फैक्टोरियल खत्म दू से पचास बार में खत्म निन्यानवे गुना पचास तो पन्नवा पैतालीस के पांच हाथ में चार पैंतालीस चार उनचास जीरो पचास सौ तो सी अंठानवे का वैल्यू उनचास पचास तो ऐसे थोड़े है कि हम लोग कैलकुलेटर रहेगा तब बना पाएंगे ठीक है तो जल्दी से देखो तो बाबू इसका वैल्यू तो कैलकुलेटर से चेक करते हैं सी अंठानवे हाँ उनचास पचास आ रहा है इसके जगह लिख दो पचास दो अगर एक का पावर एको एक एक करोड़ रहेगा ना तो एक होगा एक बेचारा दम सीधा है एक का पावर कुछ भी करो एक रहता है एक का पावर कुछ भी करो तो एक का पावर कुछ भी करो एक होगा और एक्स का पावर 98, तो सिंपल 90 तो जल्दी बताओ क्या आया उनचास पचास एक्स का पावर 98, यही हो गया आंसर तो क्या हम तुमको वन प्लस कुछ करके नहीं सिखाए तो मतलब नहीं बनेगा है? तुमको अगर हम नहीं सिखाए हैं वन प्लस कुछ करके तो नहीं बना पाएगा अरे यार ए और बी है बात खत्म उसके बाद पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ प्लस के जगह माइनस डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा माइनस वाला भी पिछले क्लास सिखा चुके हैं ठीक है तो चलो आज का मतलब एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम हम लोग का हो गया है खत्म और उसके बाद एक चीज और बता दे एग्जाम में जितना बताए इससे अलग आने वाला नहीं है एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड है या तो पूछेगा, पूछेगा, पूछेगा। या या तो या तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किसी चीज का बोलेगा का का बताओ। है? या तो इसका बारहवा टर्म बताओ सोलवा टर्म बताओ ठीक है मिडिल टर्म पूछ सकता है टर्म सत्र टर्म पूछ सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछेगा इससे अलग एग्जाम में नहीं आता है ठीक है बाबू अब एक बच्चा बोला सर डेसिमल वाला बताइए यार A के B के जगह जगह खाली पुट करे नहीं आता है तू लोगों को सब चीज सीख गया ठीक है चलो एक बच्चा बोला सर मेरा इंटरनेट खत्म हो रहा है या कट जा रहा है तो चलो भाई अब क्लास भी ऑफ हो रहा है ठीक है चलो तो फिर हम लोग कल मिलेंगे ठीक है रूटीन आप लोग देख लो बाबू चैट सेक्शन में डाला हुआ है जो भी बच्चा झारखंड का फर्स्ट सेमेस्टर का है या बिहार फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए का है आप अपने चैट सेक्शन में देख लीजिए थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि चार पांच दिन पहले शायद हम रूटीन दिए थे तो देख लो वही रूटीन के के लगभग में आपका लाइव क्लास चल रहा है हाँ कभी कभी पांच दस मिनट पंद्रह मिनट आगे पीछे होता है होता क्या है मान लो आज मेरा पाँच से क्लास है लेकिन जो पिछला क्लास है वही पाँच पंद्रह में खत्म हुआ तो बाबू पांच बजे हम कैसे लाइव क्लास ले पाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है तो ऐसे हम लोग चैट सेक्शन में बता देते हैं कि दस मिनट में लाइव आएंगे पांच मिनट में लाइव आएंगे टाइम टेबल तो पहले से दिया हुआ है प्लस तो हम लोग बोल देते हैं कि पांच मिनट में आएंगे दो मिनट में आएंगे तो इस तरह से आप लोग करना ठीक है बाबू और पूरा उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत चिल्ड्रेन डे का शुभकामनाएं और तू लोग को हम आज डालेंगे अपना फेसबुक वाला लिंक तू लोग का चैट में डाल देंगे वहां देख लेना आज हम लोग जन मतलब लो बाल दिवस कैसे मनाए ठीक है और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप लोग के लिए भी कुछ ऑफर दें तो जो ऐप में जुड़ा हुआ है उसके लिए तो बधाई से ही काम चलाना पड़ेगा लेकिन जो अभी तक ऐप में नहीं जुड़ा जो नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप में नहीं जुड़ा है नयन क्लासेस लर्निंग ऐप में जो नहीं जुड़ा है एक तो बाबू हम लोग एक सब्जेक्ट का भी फी नहीं लेते हैं और बदले में पूरा कंप्लीट पूरा सिलेबस से फर्स्ट सेमेस्टर कराते हैं और सारा सब्जेक्ट चाहे आप बिहार के बच्चे हो बिहार में ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है तो बिहार में ग्रुप ए के बच्चे हो या ग्रुप बी का बच्चे हो आपको ग्रुप ए में भी पांचों सब्जेक्ट का लाइव क्लास करवाया जा रहा है ग्रुप बी में भी पांचों सब्जेक्ट का लाइव क्लास करवाया जा रहा है और यदि आप झारखंड के बच्चे हो तो झारखंड में ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं होता है झारखंड में सिर्फ माइनिंग के लिए अलग होता है तो माइनिंग का भी कराया जा रहा है तो अगर आप झारखंड का फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो तो बापू हम लोग बहुत ही कम फी में सारा करवा रहे हैं झारखंड में छो सब्जेक्ट पढ़ना है पांच पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कम्युनिकेशन स्किल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर भी इसमें छह सब्जेक्ट है बाकी बिहार में पांच पांच सब्जेक्ट है ग्रुप ए में भी पांच ग्रुप बी में भी पाँच लेकिन झारखंड में छह सब्जेक्ट है ठीक है तो हम लोग सारा का लाइव क्लास करवा रहे हैं फी कितना है झारखंड का सात सौ निन्यानबे रुपया वो भी ऑफर दे रहे हैं बाबू बढ़ाएंगे जैसे आप लोगों लोग कॉलेज खुलेगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज में कितना पढ़ाई होगा और कितने अच्छे से होगा तो उस टाइम में हम लोग बढ़ा देते हैं क्योंकि फिर अभी ऑफर चल रहा है जिसको जुड़ना है लाभ उठा रहा है लेकिन जैसे ही उसको पता चल जाएगा उसके कॉलेज में कि उसका पढ़ाई नहीं होगा तब तो तो वो पक्का जुड़ेगा उसके बाद ले तो ज्यादा लगेगा ठीक है और बिहार में मात्र पांच सौ निन्यानवे रुपए रखे अब बताओ पांच पाँच सब्जेक्ट पांच सौ निन्यानवे वो भी महीना नहीं बाबू बहुत सारे गार्जियन बहुत सारे बच्चे हैरत करता है कि सर कैसे आप लोग पूरा छ महीना मतलब सेमेस्टर एग्जाम तक इतना कम में कराते लेकिन फिर भी उतना कम के बावजूद चूंकि आप लोग का संख्या हम लोग का बहुत अच्छा खाता प्यार मिलता है इसीलिए हम लोग बूंदे बूंद हम लोग काम चला लेते हैं ठीक है लेकिन हाँ कमाने का व्यू रहता तो हम लोग फी को कम से कम तो दो हजार अढ़ाई हजार रखते हैं उससे नीचे में पॉसिबल नहीं अभी हम लोग का क्या खाली रूम रेंट निकल जाता डेटा खर्चा निकल जाता है सबका काम भर चल जाता बस काम हो गया ठीक है लेकिन फिर भी आज चिल्ड्रन डे है तो भाई कुछ और ऑफर तो बनता है तो हम चिल्ड्रेन डे का चिल्ड्रेन डे का ऑफर जारी कर दे रहे ठीक है कूपन कोड रहेगा हैप्पी चिल्ड्रन डे ठीक है हैप्पी चिल्ड्रन डे और उसमें एक सौ एक रुपया का कूपन रहेगा एक सौ एक रुपया का कूपन रहेगा ठीक है ये अप्लाई करना भूलना नहीं अप्लाई नहीं करोगे बाबू मेरा दोष नहीं है आपको कूपन कोड एक दिखेगा लिखा रहेगा कूपन कोड हैप्पी चिल्ड्रन डे ठीक है उस पर जस्ट आपको खाली क्लिक कर देना ऐप में हैप्पी चिल्ड्रन डे पे जस्ट खाली क्लिक करोगे आपको एक सौ एक रुपया फी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जैसे अगर पांच सौ निन्यानवे बिहार का फी है तो एक सौ एक रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा चार सौ अंठानवे चार सौ अंठानवे पे पेमेंट करना कोर्स स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उसी तरह झारखंड के बच्चे हो सात सौ निन्यानबे है आपका एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है आपको तो आपको भी एक सौ एक कूपन कोड अप्लाई कर देना लिखा लिखा हुआ रहेगा अप्लाई कूपन कोड अवेलेबल तो अप्लाई कर देना आठ नौ सिक्स नाइनटी एट ठीक है या तो जिसको अप्लाई करने नहीं आता ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता है वो क्या करो वो इतना दिमाग मत लगाओ मैं हेल्पलाइन नंबर दे दे रहा हूं ये ऑफर कल तक जारी रहेगा कल तक यानी पंद्रह पंद्रह नवंबर तक बाबू पंद्रह नवंबर तक ठीक है क्योंकि आज लेट से हम ये ऑफर दे रहे हैं तो पंद्रह नवंबर तक जारी रहेगा और जो डायरेक्टली उतना अप्लाई करने नहीं आ रहा उसको लग रहा है कि अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आप सीधे एक सौ रुपया काट के मतलब एक सौ रुपया डिस्काउंट करके ही पेमेंट कर दो इस मतलब इस पे संपर्क कर लो एट सेवन नाइन सेवन जीरो नाइन जीरो सिक्स एट सेवन नाइन सेवन जीरो बिहार का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स में जुड़ना है या झारखंड का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स में जुड़ना है या इंट्रांस में जुड़ना है जिसमें भी जुड़ना है आपको इस पे व्हाट्सएप करके बोल दो और ये आपको पेमेंट करने का प्रक्रिया बता देगा ये टीम मेरा टीम आपको पेमेंट करने का तरीका सिखा देगा जिसमें आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम जो भी नंबर बोलोगे आपको भेज दिया जाएगा आप उस पर पे पेमेंट करो आपका कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा अगर खुद से पेमेंट कर पा रहे हो तो ठीक है ऐप में खुद से भी पेमेंट होता है अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना एट सेवन नाइन सेवन जीरो नाइन जीरो सिक्स जीरो सेवन ठीक है तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना उस, उसके बाद एक चीज और जो बिहार का ग्रुप बी वाले बच्चे हैं ग्रुप बी का भी लाइव क्लास मैं लूंगा टेंशन नहीं लेना है ग्रुप बी का एक सर अभी पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास ले रहे हैं एक राउंड हम फिर पढ़ाएंगे मतलब आपको डबल मजा मिलने वाला है ठीक है तो उसके लिए आप चिंता नहीं करना क्योंकि तो थोड़ा सा शेड्यूल हम लोग का अभी बहुत ज्यादा व्यस्त चलता है तो हम मतलब लेट ना हो उसके कारण एक क्लास करवा दे रहे हैं एक सर से और वो भी काफी मस्त पढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ पढ़ाते, है। पढ़ाते हैं वो भी मस्त पढ़ाते हैं उसके बाद हम भी करा देंगे डबल मजा आपको आ जाएगा ठीक है चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और सेशन अच्छा लगा तो थोड़ा सेशन को लाइक कर देना बाबू यूट्यूब पर भी ये लाइव क्लास चल रहा है तो यूट्यूब पे लाइव कर दो दोस्त यार का व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें शेयर कर दो तो नहीं व्यूजूज आएगा तो नहीं लाइक उक आएगा तब ना हमको भी मन करेगा बीच बीच में यूट्यूब पे भी लाइव आना चाहिए ऐप वाले से लड़के भी यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे तो लोग करता ही नहीं है जैसे ये लाइव मेरा दोनों जगह चल रहा है ऐप में भी चल रहा है यूट्यूब पे भी चल रहा है बात समझ रहा तो यूट्यूब वाला थोड़ा सा व्यूज बढ़ाएगा कमेंट करेगा इतना तू लोग का व्हाट्सअप का ग्रुप रहता है स्टूडेंट का दोस्त यार का उसमें शेयर करो कम ना कमेंट थोड़ा सा करो कैसा लगा नहीं लगा ठीक है तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू